हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी के बारे में, यानी बात करेंगे आज शैवालों में पाए जाने वाले थैलस संगठन के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में अपन बात कर चुके हैं शैवालों के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में, तो आज बात करते हैं शैवालों के थैलस संगठन के बारे में। जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है शैवालों के अंदर, ठीक है, ये एक वृहद परास के अंदर पाई जाती है। थैलाई ऑफ एल्गी शो ए रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन की एक परास पाई जाती है कि जो कि आरंभ होती है एक कोशिकीय से और जाती है कहाँ तक, हाईली ऑर्गेनाइज्ड जटिल रूप से व्यवस्थित बहुकोशिकीय स्वभाव तक जाती है, ठीक है। तो जो स्वभाव है या जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो आरंभ होता है यूनिसेलुलर एक कोशिकीय से और अपने को देखने को मिलता है बहुत ही जटिल बहुकोशिकीय संगठन थैलस का एल्गी के अंदर ही। तो एक परास है इसकी यूनिसेलुलर से हाईली ऑर्गेनाइज्ड मल्टीसेलुलर हैबिट तक। बात करते हैं अपन सबसे पहले, या यूँ कह सकते हैं अपन जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन या थैलस संगठन है शैवालों का, इसे मुख्य रूप से अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक यूनिसेलुलर एल्गी, दूसरा मल्टीसेलुलर एल्गी, एक कोशिकीय शैवाल और दूसरा बहुकोशिकीय शैवाल। तो जो एक कोशिकीय शैवाल है उसके पहले बारे में अपन पहले बात करते हैं। तो जो यूनिसेलुलर एल्गी फॉर्म्स ऑफ एल्गी है उन्हें अपन एक और नाम से जानते हैं, असेलुलर एल्गी, यानी कि अकोशिकीय शैवाल भी कहते हैं। क्यों? एज द फंक्शन एज कम्प्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये एक पूर्ण जीवित जीव के रूप में कार्य करते हैं। पूरी का पूरा जो एक यूनिट है, एक कोशिका है, ये पूरी तरह से एक पूर्ण जीवित जीव या सजीव के रूप में कार्य करती है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं एक कोशिकीय जो रूप हैं एल्गी के या थैलस के एक कोशिकीय जो रूप हैं वो लगभग सारे के सारे जो एल्गी के वर्ग हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। किसको छोड़ करके? रोडोफाइसी, फियोफाइसी और कैरोफाइसी को छोड़ के, इन तीन वर्गों को छोड़ के लगभग एल्गी के जो सारे वर्ग हैं उसके अंदर आपको एक कोशिकीय रूप जो थैलस का है वो देखने को मिलेगा। अब जो एक कोशिकीय एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, इसे अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो मोटाइल यूनिसेल्स हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं गतिशील एक कोशिकीय थैलस, और दूसरा है नॉन मोटाइल यूनिसेल्स, अगतिशील एक कोशिकीय थैलस। तो जो गतिशील एक कोशिकीय थैलस है इसे पुनः अपन दो भागों के अंदर बांट सकते हैं, जिनके अंतर्गत आते हैं आपके राइजोपोडियल और फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्युलर्स, ठीक है। एक तो राइजोपोडियल आ गया और दूसरा आ गया आपके कशाभिका युक्त एक कोशिकीय थैलस और एक आ गया आपके राइजोपोडियल थैलस, ठीक है। अगर बात करें अपन राइजोपोडियल थैलस के बारे में, तो इन जो शैवाल हैं इनके अंदर जो सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है उसका पूर्णतया अभाव होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कोशिका द्रव्य प्रोजेक्शंस, ठीक है, कोशिका द्रव्य अपन कह सकते हैं कि वृद्धियाँ देखने को मिलती है, प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि इन्हें अमीबॉइड मूवमेंट यानी अमीबा के समान गति करने में सहायता करते हैं, और इन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को अपन कहते हैं राइजोपॉड्स। देख सकते हैं अपन चित्र के माध्यम से, यहाँ पे कुछ आपको कोशिका द्रव्य प्रोजेक्शंस या वृद्धियाँ देखने को मिलेंगी जिन्हें कहा जाता है राइजोपॉड्स, और इन राइजोपॉड्स की सहायता से ही ये जो शैवाल होते हैं ये अमीबा के समान गति दर्शाते हैं, जिसे कहा जाता है अमीबीय गति या अमीबॉइड मूवमेंट। यदि बात करें इस समूह में पाए जाने वाले सदस्यों की, तो यहाँ आपको देखने को मिल सकता है क्राइजमीबा, और जो कि वर्ग क्राइजोफाइसिस से संबंध रखता है, या राइजोक्लोरिस जो कि वर्ग जैंथोफाइसिस से संबंध रखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है यदि उसकी बात करें, जो उसके अंदर आते हैं आपके फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स यानी कि कशाभिका युक्त एक कोशिकीय थैलस। ये जो थैलस है ये सामान्यतः रिजेम्बलेंस रखते हैं, समानता रखते हैं एक
मोटाइल गैमिट या जूस्पोर्स है, यानी कि ये अपने को एक गतिशील युग्मक या अपन कह सकते हैं चल बीजाणु के समान दिखाई देंगे। अब इसमें मेन चीज़ ये कि यहाँ पे जो आपको है जो कशापिकाएँ हैं उनके आधार पर अंतर देखने को मिल सकता है। जैसे जो कशापिका है यदि वो उसके ऊपर रोम अनुपस्थित है तो उसे अपन कहेंगे विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला, या अपन कह सकते हैं चिकनी फ्लैजिला। और दूसरी जो कशापिका है यदि उस पर रोम उपस्थित है तो उसे अपन कहेंगे टिन सेल या खुरदरी कशापिका। तो यदि वर्ग क्लोरोफाइसी को अपन देखें तो यहाँ पे दो समान विप्लैश टाइप की कशापिकाएँ देखने को मिलती है, जैसे क्लेमिडोमोनास वगैरह हो गए। यहाँ पे आपको जो कशापिकाएँ देखने को मिलेंगी दोनों समान होंगी, और दोनों कैसी होंगी, चिकनी होंगी, विप्लैश होंगी, इनके ऊपर किसी भी प्रकार के रोम उपस्थित नहीं देखने को मिलेंगे अपने को। सेकेंड अपन बात करें ज़ैंथोफाइसी की, तो यहाँ पे भी आपको टू अनइक्वल एंटीरियर फ्लैजिला ही देखने को मिलेंगी। मतलब यहाँ पे आपको जो फ्लैजिला देखने को मिलेंगी वो एंटीरियर होगी, अग्रस्त होंगी, परंतु यहाँ पे अनइक्वल होंगी, यानी कि एक जो होगी वो टेंसल होगी, खुरदरी होगी, और दूसरी जो होगी वो कैसी होगी, विप्लैश टाइप की होगी, यानी चिकनी होगी। तो ज़ैंथोफाइसी के अंदर टू अनइक्वल एंटीरियर फ्लैजिला देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें फियोफाइसी की, तो यहाँ पे जो फ्लैजिला होती है वो एंटीरियर अग्रस्त सिरे पे ना होकर के पार्श्वीय सिरों पे होती है, देख सकते हैं यहाँ पे अपन, और ये अनइक्वल होती है। अनइक्वल का मतलब हो गया एक टिनसेल होगी और दूसरी विप्लैश टाइप की देखने को मिलेगी, एक चिकनी होगी और दूसरी खुरदरी होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो आपके एक कोशिकीय शैवाल हैं, शैवाल थैलस हैं, उनको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक को अपन ने कहा कि गतिशील एक कोशिकीय, अब बात करते हैं अगतिशील एक कोशिकीय शैवालों के बारे में। तो यहाँ पे जो अगतिशील कोशिका है, ठीक है, जो अगतिशील नॉन मोटाइल सेल्स हैं वो स्पाइरल कुंडलित रूप में आपको देखने को मिल सकती है, जैसा कि आपको देखने को मिलता है स्पाइरुलाइना के अंदर, देख सकते हैं अपन इस चित्र के माध्यम से, या ये कोकोइड रूप में आपको देखने को मिल रही, गोलाब जो कोकस होते हैं जीवाणु, कोकोइड मतलब गोलाब रूप में आपको, गोलाब एक कोशिकीय रूप में देखने को मिल सकती हैं, जो कि आपके अपन कह सकते हैं होती है ग्लियो कैप्सा के अंदर और क्लोरेला के अंदर। ये क्लोरेला का चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है, ये गोलाब आकृति के अगतिशील एक कोशिकीय शैवाल थैलस हैं। तो ये बात हुई आज थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इसके अंतर्गत आज अपन ने पढ़ा है एक कोशिकीय शैवालों को। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन बात करेंगे बहुकोशिकीय शैवालों के बारे में। धन्यवाद।